इस वीडियो में आप जानेंगे कि रेगिस्तान में इतनी रेत कहां से आई, हेलीकॉप्टर्स को क्यों करते हैं श्रिंक रैप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते वक्त, और अभी भी क्यों अमेरिका बनाता है ऐसे घर जो कि लकड़ी से बने होते हैं ना कि कंक्रीट से। आपका स्वागत है अलग ही ज्ञान यूट्यूब चैनल में, और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बड़े बड़े चॉपर्स होते हैं इनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाने के लिए कैसे ले जाया जाता है, तो आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि इनको उड़ाकर ले जाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब एक या दो हो तो ऐसे ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर एक या दो से ज़्यादा हेलीकॉप्टर होते हैं तो उनको पानी के जरिए ले जाया जाता है। वो लोग नेवी में रखकर ले जाते हैं इनको श्रिंक रैप कर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स को श्रिंक रैप करने की क्या ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत है क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो हेलीकॉप्टर के सरफेस को डैमेज कर सकता है, इसीलिए इनको पहले श्रिंक रैप कर देते हैं तब इनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट किया जाता है। आपने कई बार रेगिस्तान तो देखे होंगे, और रेगिस्तान में इतनी सारी रेत भी होती है इसीलिए वो रेगिस्तान कहा जाता है। तो आपने मूवीज़ वगैरह और कई ऐसी चीज़ों में रेगिस्तान को ज़रूर देखा होगा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो रेगिस्तान होते हैं इनमें इतना सारा रेत आया कहाँ से? मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई आंधी और तूफान आया जिसके साथ ये रेत कहीं और से उड़कर आ गया और एक जगह पर इकट्ठा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इस सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा वहाँ का जो मौसम है। वहाँ का जो मौसम है उसमें दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि वहाँ पर मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी रहती है, आपने देखा ही है मूवीज़ वगैरह में। और उसका उल्टा जब यहाँ पर रात होती है तो रात में उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आप सोच नहीं सकते। और इसी मौसम के चलते तो दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी और फिर उसके बाद में इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से वहाँ पर जो चट्टानें वगैरह जो थी वो सब मतलब ऐसे ख़त्म हो गई, और ये ख़त्म होने के लिए थोड़ा टाइम नहीं लगा, इसके लिए हज़ारों साल लगी थी। तो उस हज़ारों साल के प्रोसेस के बाद में ये जो रेगिस्तान है वो ऐसा बना, और बल्कि उससे पहले यहाँ पर हो सकता है चट्टानें वगैरह हो और कई पेड़ पौधे भी हों, लेकिन ऐसे मौसम के चलते जब ऐसी ठंड और गर्मी होती रही तो उस वजह से उस मिट्टी के सारे मिनरल्स ख़त्म हो गए, जिस वजह से वहाँ पर फिर शायद ही बाद में कुछ उगा होगा, इसीलिए फिर बाद में वहाँ पर जब रेगिस्तान बन गया तो वहाँ पर ऐसी नई नई चीज़ें उगने लगी जो कि वहाँ पर पहले नहीं थी, जो कि सिर्फ रेगिस्तान में ही उग सकती हैं, जैसे कैक्टस वगैरह और ऐसी कई चीज़ें जो कि वैसी जगह पर नहीं उगती, लेकिन जब रेगिस्तान में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जितने पेड़ हैं और ब्रह्मांड में जितने तारे हैं अगर उनको गिना जाए तो कौन सी चीज़ मतलब ज़्यादा होगी, पेड़ ज़्यादा होंगे या फिर तारे ज़्यादा होंगे, तो आपका ज़्यादातर लोगों का जवाब रहेगा तारों का। तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने पेड़ हैं उससे ज़्यादा तारे भी नहीं हैं, मतलब मिल्की वे में उतने ज़्यादा स्टार्स नहीं हैं जितने कि पृथ्वी पर पेड़ हैं। तो है ना अमेजिंग फैक्ट, आपने जो कि सोचा भी नहीं होगा। तो कमेंट करके बताएं कि ये वाला फैक्ट कैसा लगा। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहता है, और इसी के साथ साथ वहाँ पर कोई भी जो भी जाता है वो वैसा ही बन जाता है, मतलब एकदम उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उसका रहना सहना भी चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर मतलब पूरी दुनिया में घर ऐसे होते हैं जो कि सीमेंट ईंट कंक्रीट और ऐसी कई चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और मजबूत घर होते हैं जो कि कई सालों तक चलते हैं, लेकिन अगर वहीं पर बात करें अमेरिका के घरों की तो वो घर ऐसे होते हैं जो कि आपने कई चीज़ों में देखे होंगे, जो कि आपने मीम्स वीडियोस और ऐसी कई चीज़ों में देखा होगा। वैसे तो वो घर दिखने में एकदम बहुत बढ़िया लगते हैं जो कि प्लाईवुड से बने होते हैं, लेकिन जब कोई उनकी दीवारों पर ऐसे पंच वगैरह भी करता है तो उन दीवारों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो दीवारें बहुत कमज़ोर होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 से 20 साल तक ही चल पाते हैं। और ये घर बनवाने के लिए जहाँ इंडिया में कोई भी तैयार नहीं होगा वहाँ पर जो अमीर लोग रहते हैं वो भी ऐसे ही घरों में रहते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ के लोग ऐसे घर को बनवाना क्यों पसंद करते हैं, बल्कि ईंटा और ऐसे घर के अलावा? तो यहाँ का जो मौसम है वो बदलता रहता है, और ऐसे मौसम में यहाँ पर तूफान वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जब वहाँ पर तूफान आते हैं तो उनके घर को बहुत नुकसान पहुँचता है। लेकिन अगर ऐसे घर होंगे जो कि फ्लेक्सिबल होंगे तो उसमें जान माल का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कि ऐसे घरों में होता है। तो वैसे तो ये घर वहाँ पर आजकल भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादातर घर वहाँ पर अभी भी ऐसे ही हैं, लेकिन इन घरों की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी जब ब्रिटिशर्स अमेरिका में आए थे। तो मतलब अब तो ब्रिटिशर्स वहाँ से चले गए हैं लेकिन अमेरिका में अभी भी उनकी छाप छोड़ी हुई है, मतलब वहाँ पर लोगों को अभी भी ये घर ज़्यादा पसंद आते हैं बल्कि ऐसे घरों के। तो कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको ये घर ज़्यादा पसंद आते हैं या फिर ऐसे कॉन्क्रीट वाले घर। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अलग ही ज्ञान ऐसे और फैक्ट्स को जानने के लिए, और कौन सा फैक्ट ज़्यादा पसंद आया ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें वीडियो।